हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेम इन्फिनिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे सीसीएमएन के एक अपडेट के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ये चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो हमारे चैनल पे बहुत सारे यूनिक यूनिक इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगा, ठीक है। एंड हमारा कम्युनिटी पोस्ट में जाना, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है कि तुमको पहले से अलर्ट करने का, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। किसके लिए? मेनली जो ओबीसी एंड AWS कैंडिडेट है उसके लिए। जो जैम का काउंसलिंग हो रहा है उसमें ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उसको जो सर्टिफिकेट है वो 1 मार्च 2021 के बाद अगर इशू है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन जो सीसीएमएन में होता है, क्या सीसीएन में पिछले साल भी हुआ था ऐसे ही जैम में, लेकिन जैम में भी वो 1 साल पहले वो बोल देता है, लेकिन जो सीसीएमएन में होता है क्या, सीसीएमएन में ये होगा कि मार्च 31, 2022 कर देगा, तो उस टाइम बहुत दिक्कत आएगा तुमको, ठीक है। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे कि तुम अलर्ट हो जाओ। अगर तुम ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम अभी से इसके लिए अप्लाई कर दो, एंड जब तक सीसीएमएन का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब तक तुम्हारा ये ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम तुमको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर रहे हो तो उस टाइम अंडरटेकिंग फॉर्म डालना पड़ेगा, देन उसके बाद एडमिशन के दौरान भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अभी से ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लो, और जब तक सीसीएमएन काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और तुमको वहां पर कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।